Hi, I am Vishal Dasharath Paikrao. तू इंस्टाग्राम पे एक पेज बना ट्रेडर रिक्शा वाला करके, कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑटो क्यों चला रहे हो? धुंधली सी राहें और अनजाना था सफर, किस्मत का क्यों बरसा मुझ पैसा कर? भाई बहुत बड़ा सपना, क्या बोलूं मैं। कुछ 2019 से खाली बेसिक ही करते थे, खाली मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग स्टॉक लेके रखते थे। वो भी हमने मालूम नहीं था कि एक सीखने के लिए हम लोग बस वो कर रहे थे। 2021 के एंड में लॉकडाउन के बाद मुझे मालूम पड़ा स्टॉक मार्केट जैसे कुछ चीज़ होती है जो वो मतलब वही प्लेटफॉर्म एक बहुत सही प्लेटफॉर्म है कि अपन वहाँ पे कुछ कर सकते हैं, आगे फ्यूचर बना सकते हैं वहाँ पे। तभी से मतलब सीखना स्टार्ट किया मैंने कम कैपिटल में, और मैंने देखा वहाँ कि हाँ कि पैसा मतलब कम कैपिटल में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है वहाँ पे और अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सीखना बहुत जरूरी रहता। तो बस मैंने वहाँ से शुरू किया कुछ यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखने के लिए कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाए वहाँ पे। मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो वीडियो में देखने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखने के लिए मेन होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में मतलब कुछ चार्ट पैटर्न आते हैं, कुछ कैंडलस्टिक आती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है, प्राइस एक्शन को फॉलो करना होता है। तो वही सब चीज़ें मुझे उसने सीखने मिली वहाँ पे, और तब मालूम पड़ा कि हाँ ये अपने को चार्ट पैटर्न बहुत जरूरी है, इसको मतलब समझना भी उतना ही जरूरी है ट्रेडिंग के लिए। नहीं वैसे मैंने तो स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि मेरा ज़्यादा मतलब बिग प्रॉफिट की मैं सोचता नहीं हूँ कि मुझे मतलब एक दिन में 10,000 ही कमाने या 5-6 हज़ार कमाने। नॉर्मल 1,000 रुपये का भी प्रॉफिट अगर मुझे दिख जाता वहाँ पे तो मैं उसे बुक कर लेता हूँ फटाक से, और मोस्टली मतलब प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ मैं वहाँ पे। मैंने स्टॉक को बाय करना शुरू किया और उसे मैंने समझने के लिए उसे लॉन्ग टर्म में रखा कि मुझे मतलब कितने महीनों तक उसको होल्ड करना है, कितने महीनों के बाद कितने प्रॉफिट में उसे बेचना है। तो मतलब बेसिक मेरा पूरा वहाँ से शुरू हुआ है। मैं अभी तक तो करता नहीं हूँ, लेकिन जो भी मेरे ऑप्शन का जो भी प्रॉफिट होगा ना, मैं सबको उसी में इन्वेस्ट करने वाला, आगे का मेरा प्लान है। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे? मतलब जो पैसा प्रॉफिट का आ रहा है उसी को इन्वेस्ट करना है बस। मैं एग्जैक्टली रिक्शे पे तो 8 बजे निकलता हूँ, कुछ पैसेंजर को ड्रॉप करने के बाद मैं एक अच्छा सा प्लेस देखता हूँ ट्रेडिंग के लिए, फिर मार्केट को मैं एनालिसिस करते रहता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब 1:15 को आप ट्रेड लेना, ऐसा जरूरी नहीं है। एक अच्छा मोमेंटम देख के भी आप ट्रेड ले सकते हो वहाँ पे, मेरे लिए तो ये मैटर करता है। कैसा टारगेट रखते हो? 1,000 से 1,200 रुपये का, उससे ज्यादा की मतलब मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ। जैसे प्रॉफिट लिमिटेड है वैसे लॉस भी मेरा लिमिटेड है। 700 से 800 रुपये का लॉस दिख गया भाई, बस हमें वहाँ पे क्लोज करना है, उसके बाद ट्रेड ही नहीं करना, ओवर ट्रेड करना ही नहीं है। क्योंकि पहले ट्रेड करता था ना, तो मैंने ये सब समझने के लिए ना पूरा साल भर गया, कि मैंने देखा कि मेरे पास अगर कैपिटल है तो ही मैं मार्केट में ट्रेड कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं पूरा खाली बैठा हूँ कि मतलब ऑटो चलाना है, फिर दबा के ऑटो पे मेहनत करना है, फिर कैपिटल आएगा, फिर वही होगा। तो मैंने वहाँ पे समझ लिया था कि अगर मार्केट में रहना है ना तो कैपिटल बचाना बहुत जरूरी है। मैंने ना मतलब लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को लेके रखा था, तो मैंने वो शेयर्स बेच दिए कि चलो यहाँ से हम इस पैसे से हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जब मैं शुरुआत में किया तब मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा, तो मेरे मन में ना बहुत लालच जागा कि यार अच्छा खासा पैसा बन रहा है यहाँ पे। तो जब मैं करने लगा, जब मुझे लॉस होने लगा तो बहुत गंदे तरीके से लॉस होने लगा, मतलब जो मेरा कैपिटल था वो 3-4 दिन में पूरा चला गया, 10,000 का मेरा कैपिटल था उस वक्त। फिर मतलब मुझे वहाँ से थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि हाँ भाई अपने को क्या गलती हमने की थी उसे दोहराना नहीं है। लेकिन 10,000 रुपये का लॉस होने के बाद आपको ऐसा नहीं आया कि नहीं, मतलब ऐसा तो आया नहीं, मैंने देखा है मार्केट में पैसा बन रहा है तो वो आएगा भी ना वहाँ से, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं वहाँ पे कि यार यहाँ पे डरने की जरूरत है। अगर ऐसा देखा जाए तो फेवरेट तो कुछ है नहीं। मुझे एक चीज समझ में आई वहाँ पे कि आपका प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है, कि आप ट्रेड कहाँ ले रहे हो और कहाँ उसे बेच रहे हो, यही आपके लिए बहुत मैटर करता है। घर वालों ने ऐसे तो पूरा सपोर्ट किया मुझे, भाई देखो जो करना है वो कर, जो अच्छा लगे वो कर, उन्होंने कभी मना नहीं किया मुझे। लॉस वगैरह होता है तो भी आप बोल देते? हाँ, उनको मालूम ही होता है कि होते रहता वो सब, तो होना ही क्या। रिक्शा समझ लो वही मतलब 2000 लॉकडाउन के बाद से चला रहा हूँ मेरी रिक्शा भी। सुबह अभी मेरा एक छोटा सा दूध का धंधा है वहाँ पे, तो मुझे उसके लिए 6 बजे तो उठना ही पड़ता है। तो दूध वगैरह डिलीवरी करने के बाद मतलब 1 घंटे का काम है, ज़्यादा काम नहीं है, तो वहाँ से मतलब एक नॉर्मली चाय पानी का खर्चा निकल जाता है हमारा। वो होने के बाद मैं फटाक से नहा धो के ऑटो पे निकलता हूँ कुछ पैसेंजर को ड्रॉप करके, फिर मैं मेरे ट्रेडिंग सेटअप पे निकलता हूँ, मतलब एक अच्छा प्लेस देखता हूँ जंगल में कि चलो वहाँ पे बैठ के ट्रेड कर सके। आपकी उम्र अभी 24 है? 24। हाँ, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि मतलब मैं सोचा था कि वहाँ पे चलो मेरी रियल लाइफ दिखाता हूँ कि मतलब मैं कैसे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और ट्रेडिंग करते करते कैसा मैं ऑटो को मैनेज कर रहा हूँ वहाँ पे। बस मेरा एम वही था वहाँ पे कि मुझे लोगों को दिखाना था कि मतलब कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाए यहाँ पे, क्योंकि हम रियल लाइफ में ना एक्सक्यूज देते रहते ना यहाँ पे, यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे काम होते, फिर मतलब ये सब करके भी हम लोग अगर मैनेज करने जाए तो हो सकता है मैनेज। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि विशाल बहुत तो यूनिक है, बहुत मतलब इतनी चीज़ों को तू मैनेज कर रहा है, ट्रेडिंग भी कर रहा है और यहाँ पे ऑटो भी चला के तो ये भी कर रहा, हार्ड वर्किंग भी कर रहा है, तो एक बार इंस्टा पे ट्राई करके देखना लाल के वहाँ पे, देख तो वो ऐसा रिस्पॉन्स आता है। तो उसी ने मुझे नाम दिया था कि ट्रेडर रिक्शा वाला नाम डालना। तो
मोस्टली जो ट्रेडिंग करता है ना उसी को उसके बारे में मालूम होता है, तो पूछते हैं, तो हम लोग का बहुत अच्छा खासा कम्युनिकेशन हो जाता है वहाँ पे कि भाई आप कैसे कर रहे हो, क्या स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हो आप वहाँ पे, और मतलब आप कितने साल से कर रहे हो, फिर ऑटो क्यों चला रहे हो। मतलब हम लोग का यही सवाल होता है कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑटो क्यों चला रहे हो। तो मैंने उन्होंने बताया कि मैं भी अभी स्ट्रगल हो रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं पूरा डिपेंड मार्केट पे नहीं रह सकता है क्या नहीं। अगर मैं मार्केट के अभी फिलहाल भरोसे बैठूंगा तो मुझे मार्केट से मतलब उम्मीद नहीं है कि आज पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए एक अर्निंग सोर्स है जो मुझे मतलब मेरा घर चलाने के लिए काम आए, इसलिए मैं ऑटो चलाता हूँ। मैं इनको बताता हूँ, बहुत लोगों ने मुझे स्टॉक सजेस्ट किए कि आप ऑप्शन करो मत, आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मतलब स्टॉक को बाय करके रखा करो। बहुत से स्टॉक के उन्होंने नाम लिए थे, और कुछ लोग कहते हैं कि यार मतलब भैया ऑप्शन ट्रेडिंग करो मत, बहुत रिस्की होता है। अब मुझे उस बात पे बहुत हंसा आता कभी कभी। हाँ मतलब एक जीरो टू हीरो ट्रेड मैंने किया था, तो उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे मिला था 3000 के इसमें, मतलब एक्सपायरी थी तब, तो फिन निफ्टी में मैंने कुछ कॉल लिया था, वो 3000 के मैंने मतलब टोटली 10000 होते हुए देखे, मतलब 3-4 गुना पैसा वहाँ पे बढ़ गया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। अगर ऐसा देखा जाए तो हार्ड वर्किंग तो दोनों में, ट्रेडिंग में आपको समय देना पड़ेगा, साल देने पड़ेंगे, तब जाके आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल बनोगे। और ऑटो जो है वो डेली बेसिस कमाने के लिए, कि अगर मुझे डेली कमाना है तो ऑटो ही चलाना है, और एक अच्छा खासा वेल्थ बनाना तो मुझे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा वहाँ पे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, एक भी बार नहीं, मतलब मैंने तो किया नहीं, मेरे दोस्त ने बताया था कि वो सब फेक होते, कुछ काम के ही नहीं होते। क्योंकि स्टार्टिंग में होगा ना, एक बार लॉस होगा वो थोड़ी ना बोलेगा भाई हमने तो बोला था कि खुद के जिम्मेदारी पे लेना है कह रही। नहीं नहीं मैं तब ट्रेड लेता नहीं हूँ, तब मैं खाली ऑटो चलाने का काम करता हूँ, मैं देख लेता हूँ मार्केट का, उस हिसाब से मोमेंटम नहीं मिल रहा मुझे तो मैं ट्रेड नहीं करता वो टाइम पे। भाई बहुत बड़ा सपना है, क्या बोलूँ मैं मैं खाली मतलब मेरे घर वालों को हैप्पी देख सकूँ, बस मेरा इतना ही सपना है फिलहाल। तो वो पूरा होने के बाद एक आगे का सोचा कि इसके आगे क्या करना है। और आपको लगता है मतलब वो ट्रेडिंग करके आप कर पाओगे पूरा? हाँ ऑब्वियसली, ट्रेडिंग ने इतना तो भरोसा दिया है उतना क्या हो जाएगा। मेरे एक दोस्त ने कहा था मुझे, जिसने मुझे सिखाया, उसने मुझे कहा है कि विशाल अगर आप पूरी तरह से सीख गए ना मार्केट को, 90% भी अगर आप सीख गए ना, तो आपको एक ही ट्रेड पूरा लॉस रिकवर करके दे सकती है, और एक पूरा मतलब जो कहते हैं ना कि हाँ जब प्रॉफिट बनना है तो एक ही ट्रेड आपको करा के दे सकती है। तो वही मैं 100% श्योर हूँ कि यही मेरी स्ट्रेटेजी, यही सेटअप पे मुझे ट्रेड लेना है, बस मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। नहीं मतलब ऐसा तो है नहीं कि कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट पहले था लेकिन अभी तो है ही नहीं, मतलब शूटिंग में काम पे जाना या घूमना फिरना। हाँ जूनियर आर्टिस्ट बन के काम किया है मैंने बहुत से सीरियल में, मतलब मराठी सीरियल्स में किया है और मराठी मूवीज में किया है मैंने। मतलब मराठी सीरियल देखो, तुझा इश्का सा नाथ पुला है, पावन खिंड मूवी में काम किया है, पावन खिंड में भी काम किया था। हाँ और मेरे ख्याल से रंग माता बेगा, ऐसे बहुत सी सीरियल जो चलती थी उसमें मैंने काम किया। मतलब मेरे दोस्त ने बताया था मुझे कि विशाल तब देखते थे कि मिनी ब्लॉग लोग डालते रहते हैं, उनके तू भी डाला कर वहाँ पे, उसने मुझे ऐसा बोला। तो स्टार्टिंग में मैंने मतलब कुछ एडिटिंग के लिए वीडियो सीखने के लिए मैंने खुद कुछ 2-3 पोस्ट बनाए कि चलो वीडियो सीख सके, फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि मतलब मैं कैसे मेरी डेली लाइफ जी रहा हूँ वहाँ पे, मतलब लोगों को बताने लगा बस। अब बहुत अच्छा मतलब मेरे पहले वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, कुछ 2.5 मिलियन तक व्यूज गए, तो मैं हम लोग बहुत शौक हो गए थे तब, मैं और मेरे दोस्त लोग बहुत शौक हो गए कि इतने जल्दी इतना अच्छा रिस्पांस मिला। तब मुझे लगा कि हाँ चलो इसको भी कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे डेली लाइफ का रूटीन बताएगी हम यहाँ पे कि हम कैसे जी रहे और कैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ वैसे हम लोग टिप्स तो मांगने आते, लेकिन मैं उनको ये बोलता कि भाई मैं टिप्स वगैरह देता नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से मेरे कहने के ऊपर अगर आप कोई ट्रेड लो और आपका पैसा डूब जाए तो मुझे बुरा लगेगा कि मेरे कहने पे लिया और डूब गया आप, तो वो चीज़ मैं नहीं करूँगा। मतलब मैंने तो सीखा है कि अगर पैसा कमाना लाइफ में तो एक अर्निंग सोर्स बनाओ हर फील्ड से, मतलब चारों तरफ से पैसा आए आपको, अर्निंग होते रहे अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो। हाँ मतलब टाइम लगा, कभी कभी ना चार्ट पैटर्न फॉलो नहीं करते थे और कुछ जो इंडिकेटर्स होते थे वो भी फॉलो नहीं करते थे, तो मोस्टली जो होता था वो प्राइस एक्शन फॉलो करते थे हम लोग, कि वहाँ पे कुछ कम मूवमेंट में मतलब एक 20-30 पॉइंट से हम लोग दो लॉट लेते थे, दो लॉट में हम लोग ट्रेड करते हैं अभी भी, ज्यादा लॉट में हम लोग ट्रेड नहीं करते, क्योंकि एक या दो लॉट में भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। एक आम आदमी जो मतलब काम पे जाता है उसके हिसाब से सैलरी तो आपको मिली जाएगी एक दिन की अगर आप करोगे तो। मैं तो फिलहाल अभी ऑप्शन ही कर रहा हूँ, मैं करूँगा आने वाले वक्त में करूँगा, क्योंकि मेरा अभी पूरा फोकस ना है कैपिटल बिल्ड करने पर, कि मुझे एक तगड़ा कैपिटल बनाना है और एक खुद के अंदर विश्वास लाना कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। तो मतलब मैंने अभी मेरा एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ, मैंने एक 100 डे का चैलेंज है खुद को कि मुझे 1000 रुपीज़ से प्रॉफिट निकालना है पूरे साल भर में, 100 दिन ही ट्रेडिंग करना है, उसे ज़्यादा नहीं करना है, 100 दिन में जो दिन ट्रेड बनेगा बस 1000 रुपये का प्रॉफिट बुक करना है, और पूरा एक साल का एक्सपीरियंस होगा मेरे पास कि हाँ एक साल मैंने कैसे किए वहाँ पे ट्रेड। तो बस जब वो कैपिटल बिल्ड होगा ना तब मैं कुछ एक्स्ट्रा यूनिक करूँगा वहाँ पे। नहीं 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 मतलब ट्रेडिंग अलग जगह पे और मेरा ऑटो अलग जगह पे, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि आज मुझे
प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है तो मैं दो दिन रिक्शा नहीं चलाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऑटो के पैसे से घर चलाना है मुझे, ट्रेडिंग के पैसे से नहीं। एक नॉर्मली मेरे जैसे पर्सन का क्या होता है कि वो सोचता है कि मार्केट मुझे फाइनेंशियली फ्री करेगा, इसलिए बहुत जन ना अच्छी खासी उम्मीद रख के ना वो आते हैं कि हम भी चलो मार्केट से पैसा करेंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ओपिनियंस, आप क्या ओपिनियन से आ रहे हो, मतलब वहाँ पे क्या सोच के आ रहे हो, ये बहुत मैटर करता है मार्केट में। अगर आपको मार्केट में टिके रहना है ना, तो आप ये मत सोचना कि आपको कंटिन्यूस प्रॉफिट मिलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको लॉस भी तगड़े झेलने पड़ेंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम को फेस भी करना पड़ेगा, मतलब मुझे तो बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। अभी मेरे भी घर की ईएमआई देखा जाए तो 30,000 की ईएमआई जाते हैं हमारे, तो मैं मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ कि मार्केट का जो पैसा आएगा मैं उसे ईएमआई भरूंगा, बिल्कुल नहीं। वो मतलब मैं और मेरा भाई हम लोग जो काम करते हैं ऑटो बीटो चला के, जो पैसा आता है हम लोग उसी से मैनेज करते हैं। ट्रेडिंग में मुझे अभी मिनिमम 5 साल दूंगा, मुझे मालूम है कि मुझे 5 साल यहाँ से पैसा नहीं आने वाला, मतलब मैं जो सोच रहा हूँ उस हिसाब से तो मेरे को यहाँ से 1 रुपया नहीं आने वाला, मतलब तो मुझे पूरा सीखने के लिए मेरे को टाइम देना पड़ेगा पहले। और कुछ लोग क्या होते हैं कि वो सोचते हैं यार चलो मार्केट से पैसा आएगा तो हम मार्केट से कमाएंगे, मार्केट से फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। मतलब अभी मैं खाली मेरे सिचुएशन को देख रहा था कि मैं अभी कैसे सिचुएशन में जी रहा हूँ, मुझे उससे फ्री होना है या उन लोगों के सुन के मुझको ये करना है, उससे मतलब पीछे हटना है। मैंने तो मेरे सिचुएशन को देखा, बस मैंने स्टार्ट कर दिया, जो होगा देखा जाएगा आने के बाद। मतलब आगे जाके पछतावा तो नहीं होगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं, वहाँ पे ट्राई नहीं किया, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना कि एटलीस्ट इंसान एक बार ट्राई तो करके देखना चाहिए जो चीज़ पे। हाँ, स्कैम 1992, ऐसा नहीं कि स्कैम करने का मोटिवेशन मिला हम लोग को कि हाँ इससे पैसे लो उससे पैसे लो और इन्वेस्ट करो, ऐसा तो नहीं, लेकिन एक भरोसा हुआ कि हाँ अगर वो बंदा कर सकता है, ट्रेडिंग में इतना पावर है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हुआ था लेकिन मैंने कभी वो लिया ही नहीं उन लोगों से, मुझे मालूम था भाई एक बार डूबा तो मेरी लग जाएगी तो उतना बड़ा रिस्क कौन लेगा। वो मतलब खुद का पैसा जाएगा ना इतना मतलब दिल को बुरा लगता नहीं है, लेकिन दूसरे का अगर जाएगा ना तो एक टेंशन आ जाता है, मतलब फिर और किसका किसका टेंशन लेते बेटे के, घर का भी ले ला है, दोस्त का भी ले ला है, उसको ये ले ला है, तो इतने टेंशन तो पॉसिबल नहीं हो गया ना इंसान को। हाँ भाई, मतलब मैं डीनो जेम्स को बहुत सुनता हूँ, उसके सॉन्ग 2018 से मैं डीनो जेम्स को सुनता हूँ। फर्स्ट मोटिवेशन सॉन्ग तो मेरे लिए लूजर है, वो लाइन ऐसी थी कि धुंधली थी राहें और अनजाना था सफर, किस्मत का क्यों बरसा मुझ पे ऐसा कर, कि मेरे को लगता है कि हाँ ये मेरी रियलिटी है। और एक सेकेंड सॉन्ग था उसका, वो था विशलिस्ट, कभी ना कभी बदलेगा मौसम और हम पे भी होगी खुशियों की बारिश। तो मैं ज्यादा डिमोटिवेट होता था या मतलब मुझे घर वाले कुछ बोलते थे तो मैं उसके गाने में जंगल में जाके सुनता था अकेले में, इतना इंस्पायर किया उसने सॉन्ग ने मेरे को। लेकिन भाई एक बात बोलूं ना, रियल लाइफ से बड़ा मोटिवेशन कुछ है ही नहीं कि आप जो जी रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स में जी रहे हो, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। कहते हैं ना जब प्रॉब्लम्स आती है ना तो एक ही नहीं आती है, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स की पूरी लाइन लगे रहती है, आती तो एक ही बार सब आ जाती है, फिर तब तो हम लोग को ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब तब तो ऐसा लगता है कि यार भाई अब करे तो करेगा, लेकिन दिल पे हाथ रख के मतलब जब कहेंगे कि मराठी में बोलता ना ही वेल नुगुन साइल, बस तब लगता है कि कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकल ही जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सही बात है, वो बात को मैं ध्यान में रखता हूँ कि चलो ये वक्त भी निकल जाएगा। हाय, आई एम विशाल दशरथ पाइकराव एंड आई एम मेड फॉर ट्रेड। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.